अब देखिए फंक्शन टॉपिक की खुद की भी जो नींव बनी है कहीं ना कहीं वो यहाँ सेट से आता है, सेट का उसमें यूज होता है। सेट के बाद में हमने एक और टॉपिक लिया था रिलेशन, रिलेशन टॉपिक उसमें यूज होता है तब, और रिलेशन और फंक्शन कुछ एक ही जैसी बातें हैं, रिलेशन और फंक्शन एक ही जैसा है, बस खाली इनकी डेफिनेशन में फर्क है। उसमें कंडीशन ये कहती है कि ये ऐसे कंडीशन हो पर्टिकुलर तो फंक्शन होगा और नहीं तो रिलेशन होगा। सेट आपको पता है सारे 11th में कंप्लीट किए थे कि सेट में सेट ए और बी दो होते हैं, तो उस तरह की जो बातें हैं सारी वो सब हम ये डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मली सेट ए में एक्स वेरिएबल होगा, इसमें वाई वेरिएबल होगा, और ए और बी को जब वो रिलेट कर देता है तो फिर नया पूरा चैप्टर रिलेशन इंट्रोड्यूस होता है, जब दो अलग अलग सेट्स को आपस में किसी तरह से रिलेशन में डालता है तो वो नया टॉपिक स्टार्ट होता है और उसका नाम होता है रिलेशन। तो जब भी कोई दो सेट्स हैं और उनको जब हम रिलेट करते हैं आपस में, ये मान लीजिए सेट ए है सेट बी है और इसका एलिमेंट एक्स, मान लीजिए कोई भी इसका एलिमेंट वाई है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टू सेट्स, और यहाँ से रिलेशन चालू होता है। अब मैं यहाँ पे बहुत कम इसको आपको रिमाइंड कराऊंगा कि रिलेशन बेसिकली क्या था, क्योंकि हमें यहाँ फंक्शन टॉपिक की डेफिनेशन समझनी है, ठीक है? तो हम रिलेशन को बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट में हम लेंगे और खाली डेफिनेशन को ही समझ के फिर हम आगे हमारे मेन टॉपिक में उतर जाएंगे, ठीक है? तो देखिए रिलेशन कैसे आया, रिलेशन आया कार्टेशियन प्रोडक्ट से। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अगर मान लीजिए सेट ए और बी में, ए में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें ए बी सी हैं, तो हम इसको ए क्रॉस बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब इनको ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखना। ऑर्डर्ड पेयर में कैसे, जैसे मान लीजिए मैं ए क्रॉस बी को लिखना चाहता हूँ तो इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए दो सेट्स हैं, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं खाली, हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं स्लाइटली। मैं मेन मेन टॉपिक फंक्शन लेने वाला हूँ, फंक्शन टॉपिक की कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपको ये हल्का सा रिलेशन का मैं आइडिया देता हूँ और इसके बाद में हम मेन टॉपिक में उतर जाएंगे हमारे, ठीक है ना? देखिए अगर इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ये क्या था कि सारे ऑर्डर पेयर लिखिए आप, इसमें लिखना पड़ेगा 1a 1a 1b 1c 1a 1b 1c, फिर आएगा 2 से तो 2a 2b 2c एंड 3a 3b 3c 3a 3b एंड 3c, ये आपने पूरा इनको आपस में रिलेट कर दिया। सो दिस इज नोन एज द कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट? सो ये जो ए क्रॉस बी है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा हल्का सा अभी मेन टॉपिक तो फंक्शन पढ़ेंगे लेकिन रिलेशन को थोड़ा समझें कि वो रिलेशन क्या होता था। मैं खाली रिमाइंड कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको थोड़ा सा डेफिनेशन को वापस इसको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ये था फॉर टू सेट्स ए एंड बी, यदि दो सेट्स होते थे ए और बी, ठीक है? सो एनी रिलेशन आर कोई भी जो रिलेशन है इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का वो सबसेट होता था, दैट इज तो कोई भी जो रिलेशन होगा आर वो क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, ठीक है? तो ये जो हमने रिलेशन, ये जो ए क्रॉस बी लिखा है यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी एक रिलेशन बन सकता है, लेकिन जो जैसा कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा रिलेशन में हमने इस चीज को क्लियर किया है कि दैट इज नोन एज द यूनिवर्सल रिलेशन। यदि सेट ए के सेट बी के एलिमेंट्स को सबको पूरा पूरा सभी ऑल पॉसिबल वे में रिलेट कर दें तो क्या होता है, दैट इज नोन एज द यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन, लेकिन ऐसा होता है कि
कि ये जो कोई भी दूसरा रिलेशन है, कोई जरूरी तो नहीं है कि सेट ए और बी में किसी भी तरह से रिलेट कर सकते हैं एलिमेंट्स। यहाँ पे जब हम फंक्शन टॉपिक को पढ़ेंगे, मैं आपको यही बताऊंगा कि फंक्शन टॉपिक में जो हम फंक्शन की डेफिनेशन डालते हैं और रिलेशन टॉपिक की जो रिलेशन की डेफिनेशन डालते हैं, उसमें थोड़ा सा फर्क है और लिखने का तरीका फर्क है, बाकी बात एक ही है, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन यह है कि अगर हम उसको सर्टेन कंडीशन में डिफाइन करते हैं तो फंक्शन हो जाता है, नहीं तो दो सेट के बीच में वो रिलेशन हो जाता है। रिलेशन किसी भी तरह से हो सकता है, सेट ए से बी में हो सकता है, बी टू ए, ऑल पॉसिबल वेज। जब ऑल पॉसिबल वेज लगते हों तो वो रिलेशन बनता है, और उसी में कुछ कंडीशन लग जाए, कुछ सर्टेन कंडीशन लग जाए, तो फिर वो फंक्शन है। उसकी डेफिनेशन में भी हम उतरेंगे कि कैसे उसकी डेफिनेशन आती है, ठीक है। तो देखिए, ये तो हो गया कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें थोड़ा सा हम रिलेशन को स्लाइटली इसको डिफाइन करके फिर हम अपने मेन टॉपिक पे उतरते हैं। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन फॉर टू सेट्स ए एंड बी, एनी रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये पूरा ए क्रॉस बी बना हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना हुआ है। इसका कोई भी सबसेट है वो कोई रिलेशन बनाएगा। अब रिलेशन में कोई रिलेशन लिख सकता है कि सेट ए के एलिमेंट बी से छोटे हों, तो सेट ए में भी कोई नंबर्स डाल रखे हों, बी में भी नंबर बना रखे हों, तो उसने बोला कि सेट ए का एलिमेंट यदि एक्स है, सेट बी का एलिमेंट यदि वाई है, तो यू फाइंड आउट ऑल द रिलेशन सच दैट एक्स इज लेस देन वाई। तो आप बना सकते हो। हम क्या करेंगे, एक्स लेस देन वाई बोल रहा है तो हम सारे वो ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे जिसमें कि एक्स सेट ए का एक्स एलिमेंट है वो सेट बी के वाई एलिमेंट से छोटा होता हो। तो इस तरह के, इस प्रकार के जितने भी आप ऑर्डर पेयर बना पाएंगे वो उस पर्टिकुलर रिलेशन को शो करेगा कि हाँ, ये जो इसने रिलेशन बताया था कि ऐसा रिलेशन बनाओ, तो वो हमारा रिलेशन बन गया, ठीक है। तो इसमें ये डेफिनेशन हुई। अब देखिए, टोटल एलिमेंट्स हम इसके लिखते हैं, जनरल में लिखते हैं एम एलिमेंट्स और इसके लिखते हैं एन एलिमेंट्स। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो वो आ जाता है इसका नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, वो आएगा टोटल एम एन, एम इंटू एन। तो यहाँ पे तीन इसके थे, तीन इसके थे, एग्जाम्पल में देखिए तो 3 3 9, टोटल 9 ड्रेस से मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ, और मैं पूरा पूरा कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वो बात अलग है। लेकिन अब मान लीजिए इसमें भी एक क्वेश्चन ये आता है, रिलेशन को हमने डिफाइन ये किया कि दो सेट के लिए कोई रिलेशन आर जो है सबसेट होता है, सबसेट किसका होता है, ए क्रॉस बी। ये तो आप बात समझिए ध्यान से कि कोई जरूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी में तो सारे ऑर्डर बना डाले, लेकिन जो वो कोई रिलेशन बोलेगा कि ऐसा वैसा हो, कोई रिलेशन में बोला कि ऐसा वैसा हो, तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग सारे ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं लेगा वो जितने भी लेगा वो पर्टिकुलरली उस रिलेशन के पार्ट बनेंगे। और ये जो मैंने लिखा है ये यूनिवर्सल रिलेशन है, ये तो सिंपल एग्जाम्पल है, इसमें 1 2 3 है, इसमें ए बी सी है, ठीक है। तो ये तो आपको क्या बना रहा है, यूनिवर्सल रिलेशन बना रहा है। मतलब इससे ज़्यादा तो हम यानी एलिमेंट्स को रिलेट भी नहीं कर सकते। मैं 1 को तीनों से कर दिया, 2 को भी तीनों से कर दिया, और 3 को भी तीनों से कर दिया, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 वेज से ऑर्डर पेयर इनके बन जाते हैं। अच्छा, हम एक बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, तो वो कितने पॉसिबल है। जैसे हमने सेट में, सेट पर्टिकुलर टॉपिक हमने पढ़ा था, सेट में होते थे 2 टू द पावर n। अगर किसी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते थे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते थे 2 टू द पावर n, बिकॉज 2 टू द पावर n में से टोटल उसके सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। तो वो जो सबसेट बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे रिलेशन का मतलब यह है कि टोटल आप सेट ए को और बी को कितने तरह से रिलेट करवा पाओगे, तो वो जो सारी पॉसिबिलिटी है उसमें सारी आ गई। तो उसके लिए तरीका यह है
कि इसमें एम एन एलिमेंट्स है, ए क्रॉस बी में एम एन एलिमेंट्स हैं टोटल। अब इसके में जो टोटल रिलेशन लिखूंगा, इंपॉर्टेंट है, देखिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये मालूम पड़ना चाहिए कि हम इसको ऐसा क्यों लिख देते हैं, ये भी कारण मालूम होना चाहिए। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल ऑफ नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा 2 to the power m n। ये बिल्कुल वही वाली बात है जो किसी दो किसी सेट के जब पूछता था कि सबसेट्स कितने होंगे, तो सबसेट्स में हम कितना बताते थे, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट में, तो 2 to the power n टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते थे। और यहाँ पे हमने 2 to the power m n नंबर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्यों बोला, क्योंकि ये तो मेन रिलेशन है सबसे बड़ा, और तो हो सकता है कुछ कम एलिमेंट रिलेट करें सेट ए और बी के, जो एक रिलेशन वो बोलेगा बोलेगा कि ऐसे ऐसे कंडीशन बताता है कि आप उनको इस प्रकार से रिलेट करो कि ऐसा हो कि 2x + y = 5 हो। ये एक रिलेशन है, 2x + y = 5 हो तो x वाली वैल्यू का डबल और प्लस उसमें y जुड़े तो = 5 बने। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे वो उस रिलेशन का पार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। सो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल, इस तरह से आप उसमें जितने भी ऑर्डर पेयर लिख पाएंगे उसको आप एक छोटा सा रिलेशन बना सकते हो। तो हम कितने तरह से रिलेट कर सकते हैं कि हम ये देखें कि टोटल हम सबसेट ही कितना बना सकते हैं, टोटल सबसेट कितना बना सकते हैं, वो है 2 to the power m n, और उसी को डायरेक्टली लिख दिया गया है इसने कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल है, दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस दैट इज द 2 to the power m n, ठीक है। अब